विनलैंड सागा, जहाँ पर सीजन वन में अपना मेन प्रोटैगनिस्ट अपने रिवेंज के चक्कर में कुछ ज्यादा ही पागल हो गया था और उसको रिवेंज के अलावा कोई और चीज दिख ही नहीं रही थी। लेकिन एकदम से सीजन टू में ऐसा क्या हो गया कि थॉरफिन की एकदम से आइडियोलॉजी चेंज होगी और वो बोल रहा है कि आई हैव नो एनिमीज। तो चलो आज मैं थॉरफिन की आइडियोलॉजी एक्सप्लेन करने का ट्राई करने वाला हूँ। थॉरफिन की आइडियोलॉजी को अगर हमको समझना है तो सबसे पहले हमको उसके कैरेक्टर और उसकी स्टोरी को भी समझना पड़ेगा। जहाँ पर सीजन वन में उसकी आइडियोलॉजी कुछ अलग थी और सीजन टू में उसकी आइडियोलॉजी एकदम से चेंज होगी। सीजन वन में एक तरीके से थॉरफिन ने अपने आप को खो दिया था, उसके अंदर इतनी ज़्यादा हेटेड भर के रखी थी कि उसको उसके रिवेंज के अलावा कोई भी चीज़ और दिख नहीं रही थी। वो बस अंधाधुंध किलिंग करे जा रहा था, लोगों को मारे जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ भरी पड़ी थी कि उसको कुछ भी करके आस्कलॉट को मार के उसके फादर का बदला लेना था, वो भी एकदम फेयर फाइट में डुअल के अंदर, जिसके लिए आस्कलॉट उसको जो भी चीज़ करने को बोलेगा वो सारी की सारी चीज़ें थॉरफिन करेगा, लोगों को अंधाधुंध मारेगा। जहाँ पर वो आगे नहीं दिखेगा कि सामने कोई इनोसेंट सा बंदा पड़ा है, तो वो बस एक वॉर मशीन बन चुका था। उस टाइम थॉरफिन की आइडियोलॉजी बस एक ही चीज़ पर सेंटर थी। उस थॉरफिन को ये लगता था कि आस्कलॉट को मारने के बाद में उसको एक टाइप का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसलिए वो मार्शल आर्ट का पीछा करता है, एकदम से उसका बैंड भी ज्वाइन कर लेता है। जो सारी चीज़ें आस्कलॉट उसको करने को बोलता है वो सारी वो चीज़ें करता है। उस टाइम थॉरफिन को ऐसा लगता था कि वो जितना ज़्यादा फाइट्स में एंगेज होगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा और ये सारी चीज़ें उसकी मदद करेगी उसका रिवेंज पूरा करने के लिए। तब से थॉरफिन की बस एक ही आइडियोलॉजी बन चुकी थी कि उसको किसी भी हाल में बस अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और वो करके वो अपना बदला पूरा कर सकता है। लेकिन जिसे जैसे थॉरफिन आस्कलॉट के क्रू के साथ में टाइम स्पेंड करता है, वैसे वैसे थॉरफिन के सामने वार की हार्श रियलिटी आती है। वार से होने वाले लाइफ्स का नुकसान और बिना बात की किलिंग्स, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में हमें थॉरफिन के आइडियोलॉजी में थोड़े थोड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। इतनी सारी चीज़ें उसके सामने होती तो थॉरफिन अपने आप से क्वेश्चंस करने लगता है। जब आस्कलॉट मारा जाता है तब थॉरफिन के लाइफ का कोई भी पर्पस नहीं बचता है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि जिस रिवेंज के लिए मैंने इतने सारे इनोसेंट लोगों की जान ली और वही रिवेंज कोई मेरे हाथ से छिन गया। उसको रियलाइज होता है कि वेंजेंस और वार के अंदर कितने सारे इनोसेंट लोगों की जान जाती है और कितनी सारी डिस्ट्रक्शन होती है। यही सारी चीज़ें उसकी पुरानी वाली आइडियोलॉजी चेंज करने के लिए मदद करती है। लाइफ में इतनी सारी बुरी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद में, इतना सारा वायलेंस देखने के बाद में थॉरफिन सोचता है कि ये जो साइकिल है रिवेंज और वार की, ये सारी की सारी टूटनी चाहिए। उसके बाद ही थॉरफिन के गोल्स और उसकी आइडियोलॉजी दोनों के दोनों चेंज हो जाती है। फ्रॉम सीकिंग अ रिवेंज टू क्रिएटिंग अ पीसफुल प्लेस, जहाँ हर कोई बंदा बिना वायलेंस करे बिना किसी से डरे रह सकता है। जहाँ पर हम स्टोरी में देखते हैं कि थॉरफिन धीरे धीरे अपने पिता थ्रॉन्स के आइडल से इंस्पायर हो रहा है, उसी टाइम हम थॉरफिन के मुंह से विनलैंड सागा का लेजेंडरी डायलॉग सुनते हैं, आई हैव नो एनिमीज। थॉरफिन भी अब विनलैंड के सपने देखने लग जाता है, जिस वाले जगह की बात उसके पिताजी करते थे। अब थॉरफिन भी विनलैंड की तलाश में निकल जाता है, जहाँ पर हर कोई बंदा वॉर और स्लेवरी से दूर रह सकता है। लाइफ में इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद में थॉरफिन की आइडियोलॉजी एकदम से चेंज हो जाती है। तब थॉरफिन को पता चलता है कि ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन ओवरकमिंग हेट्रेट। अब थॉरफिन बस एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ पर कोई भी वायलेंस एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो समझने लग जाता है कि मीनिंगफुल चेंजेस तभी आएंगे जब वो कलेक्टिव एफर्ट्स लगाएगा। थॉरफिन के कैरेक्टर को अगर आपको एकदम से डेप से जानना है या उसकी आइडियोलॉजी अच्छे से समझनी है तो आपको विनलैंड सागा ही देखना पड़ेगा। थॉरफिन के स्टार्टिंग से आइडियोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ही रही है, उसके अराउंड जो सारी चीज़ें होती है उसके हिसाब से उसकी आइडियोलॉजी भी चेंज हो जाती है। आप स्टार्टिंग में देखोगे तो वो बस वायलेंस के पीछे पड़ा था, उसको बस किसी तरह उसका रिवेंज चाहिए था। फिर थॉरफिन को उसका रिवेंज नहीं मिला तो उसके कैरेक्टर में आपको सडनली इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है। फार्मिंग करने के बाद या खुद स्लेव बनने के बाद में थॉरफिन को पता चल जाता है कि लाइफ की सही कीमत क्या होती है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।